गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर. हम ग्रामर में करेंगे लेसन नंबर 7, पोसेसिव केस. ठीक है, अ नाउन कैन बी यूज टू शो पोसेशन, दिस इज नोन एज पोसेसिव केस. पोसेसिव केस में क्या आ जाता है, जब कोई एक चीज रिलेशनशिप बताता है एक दूसरे का, जैसे कि सारिका इज सौरभ सिस्टर, जो सारिका क्या है, सौरभ की सिस्टर है, तो रिलेशन बता रहा है वहां पे सिस्टर ऑफ सौरभ. सौरभ इज मिस्टर दास सन, तो यहाँ पे भी रिलेशन बता रहा है कि वो सन ऑफ मिस्टर दास, उसका लड़का है. साइकिलिंग इज द चिल्ड्रन पास्ट टाइम, तो साइकिलिंग क्या है, उनका पास्ट टाइम, मतलब जब वो छोटे थे तभी के बारे में बता रहा है, तो उनके पास से रिलेटेड बता रहा है. पास्ट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन, जब वो छोटे बच्चे थे तब वो साइकिल चलाया करते थे, तो उनका रिलेशन है उसके साथ. सौरभ सिट्स ऑन द बैक सीट ऑफ द साइकिल, सौरभ किधर बैठता है, साइकिल के पीछे बैठता है, तो रिलेशन बता रहा है. फॉर्मेशन ऑफ नाउन, तो ये पोसेसिव केस में क्या था, जो चीज रिलेशन बताती है वो हो जाता है पोसेसिव केस नाउन. ठीक है, अभी फॉर्मेशन ऑफ नाउन इन द पोसेसिव केस एड एस टू द सिंगुलर नाउन. हमें क्या था, अगर जो भी हमारा पोसेसिव केस है, जो हमारा नाउन है, उस पर हमें क्या करना है, एस लगाना है पोसेसिव केस वाले में. ठीक है, तो देखो सौरभ एस लगाए, टीचर्स के आगे एस लगाए, डॉक्टर्स के अपोस्ट्रॉफी एस लगाए. एड ओनली अपोस्ट्रॉफी ऑन टू द नाउन ऑलरेडी एंडिंग इन एस, जिसका अगर कोई ऐसा पॉसिसिव केस है जिसका और एंड हो रहा है एस से, तो सिर्फ हमें लास्ट में उनके एक अपोस्ट्रॉफी मारनी है, सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी. देखो दास में लास्ट में अपोस्ट्रॉफी मारी है, जोनेस में मारा है, बॉयज में मारा है. ठीक है, एड एस टू द प्लूरल नाउन, जो हमारे प्लूरल नाउन है उस पर हमें एड एस करना है, दैट डज नॉट एंड इन एस, जिस हमें प्लूरल नाउन देखना है, अगर हमें प्लूरल नाउन मिलता है और जिसका एंड एस से नहीं होता है उधर हमें एस लगवाना है. डू नॉट यूज द पॉसिसिव केस फॉर नाउन ऑफ अ न्यूट्रल जेंडर, जो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर आपको पता है जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो वो उसे हमें यूज नहीं करना है. जो यहाँ पे दिया है द नेस्टेस ऑफ द बर्ड, तो एस है ना, तो हम उसके लास्ट द नेस्टेस ऑफ द बर्ड किसके बोलते रिलेशन है बर्ड के साथ, तो उसके हम एंड में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे कि एस ऑलरेडी है. द बैग्स ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का रिलेशन है ना, तो एस लगा दें, ये अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. द लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेंस करेंगे और अपोस्ट्रॉफी प्लस एस. द हॉर्सेस ऑफ द प्रिंस, तो एस है ना ऑलरेडी, तो उसमें सिर्फ लास्ट में अपोस्ट्रॉफी डालेंगे. द क्राउन ऑफ द क्वीन, तो हम क्वींस कर देंगे अपोस्ट्रॉफी प्लस एस. जो भी आपको रिलेशन दिखता है अगर उसमें एस नहीं है तो आपको एंडिंग में अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, अगर ऑलरेडी एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना है, शॉर्ट फॉर्म है. द लिड ऑफ द टीपॉट, टीपॉट है ना, तो एज इट इज आएगा, क्योंकि द लिड ऑफ द टीपॉट क्या है, हमारा न्यूट्रल जेंडर है. जैसे हमने लास्ट नोट पढ़ा था तो उसमें क्या बोला था कि न्यूट्रल जेंडर पे हमें पॉसिसिव केस नहीं करना है. द हॉर्न्स ऑफ द डियर, तो डियर्स के साथ रिलेशन है तो डियर है, तो अपोस्ट्रॉफी एस. द क्राइज ऑफ द बेबीज, बेबीज में एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी जाएगी एंडिंग में. द एज ऑफ द शेल्फ एज इट इज आएगा, द कैप ऑफ द पेन एज इट इज आएगा. ठीक है, देखो वो एज इट इज था, सिर्फ हम लोग ने जिसके साथ रिलेशन है वो पहला बताया है, फिर बाद में किसके साथ है वो बताया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके दिस इज लेसन लेसन नंबर 8 है. यहाँ पे एजेंट नाउन आएगा. ओके, यहाँ पे पॉजिटिव केस दिया बट इट इज एजेंट नाउन, लेसन नंबर 8. ओके, एन एजेंट नाउन इज द नेम गिवेन टू अ पर्सन कनेक्टेड विद अ सर्टेन जॉब और वर्क और एक्टिविटी और फंक्शन. एजेंट नाउन क्या है, एक नेम है, एक पर्सन का नाम है जो कनेक्टेड है विद अ सर्टेन, एक जॉब जो करते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जो फंक्शन कंडक्ट करते हैं, वो एजेंट नाउन होते हैं, उनको एजेंट नाउन बोला जाता है, जो उनके नाम से हम लोग बुलाते हैं. यू कैन फॉर्म एजेंट नाउन यूजिंग सफिक्स, सफिक्स आपको पता है ना, जो हम एंडिंग में वर्ड्स लगाते हैं उसे हम सफिक्स बोलते हैं. ठीक है, जो लेटर लगाते हैं,
तो सफिक्स हम लगा के भी बना सकते हैं एजेंट नाउन, जैसे कि ER एंडिंग में लगाओ, OR STINEENT। वन हु ड्राइव्स अ व्हीकल उसे हम ड्राइवर बोलते हैं, तो ये एजेंट नाउन हो गया। वन हु डायरेक्ट अ प्ले और फिल्म डायरेक्टर, तो वो देखो OR हमने सफिक्स लगाया तो डायरेक्टर हो गया। वन हु प्लेज द पियानो वो पियानिस्ट हो गया। वन हु डज मैजिकल ट्रिक्स मैजिकियन मैजिशियन सॉरी। वन हु इज डिवोटेड टू प्रेयर एंड गॉड डिवोटी। वन हु स्टडी स्टूडेंट, देखो ये सब ये वो लोग हैं जो सर्टेन अलग अलग जॉब करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये हमारे एजेंट नाउन है, तो हम लोग को ऐसे ही फॉर्म करना है। एक किया है तो हमें दूसरा करना है। वन हु राइट्स और स्टडी हिस्ट्री उसे हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरियन। वन हु एक्ट्स, एक्ट्स क्या हो जाएगा, एक्टर। वन हु इनवाइट्स इनवाइटी। वन हु रिसाइड्स स्टेज इन अ प्लेस रेसिडेंट। वन हु इज एन एक्सपर्ट इन फिलोसोफी दैट इज फिलोसोफर। वन हु एडिट्स अ न्यूज़पेपर दैट इज एडिटर। वन हु एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट्स न्यूज दैट इज रिपोर्टर। वन हु स्टडीज और वर्क इन साइंस दैट इज साइंटिस्ट। वन हु होल्ड अ हाई ऑफिस दैट इज ऑफिसर। वन हु इज नॉमिनेटेड नेम फॉर अ पोस्ट और अवार्ड दैट इज नॉमिनी। वन हु चेयर्स अ मीटिंग, जो चेयर करता है मीटिंग जो हेल्प करता है उसे हम चेयर पर्सन बोलते हैं। तो जिसके क्वेश्चन आंसर है आपको आपके ग्रामर के बुक में लिखना है। ओके बाय।